हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आर यूट्यूब चैनल वॉच विद तुषार। माय नेम इज तुषार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दी क्वीन ऑफ हिल स्टेशन ऊटी के बारे में। ऊटी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक सुंदर टूरिज्म प्लेस है, जिसे उटुक मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी कोयम्बटूर से नॉर्थ में 86 किलोमीटर और मैसूर से 128 किलोमीटर साउथ में स्थित है, जिसे देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं। वीडियो में हम जानेंगे ऊटी जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है और वहां कैसे जा सकते हैं। इसी के साथ ऊटी में देखने लायक टूरिज्म प्लेसेस कौन कौन से हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट ऊटी। ऊटी जाने का सबसे अच्छा समय। वैसे तो पर्यटक पूरे साल ऊटी जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जून और सेप्टेम्बर से नवम्बर मंथ के बीच यहाँ जाने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। हाउ टू रीच ऊटी। ऊटी कैसे पहुँचे? अगर आप बाई फ्लाइट ऊटी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट कोयम्बटूर आ सकते हैं, जो ऊटी से अप्रोक्स 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हिल स्टेशन की देश के बाकी हिस्सों से बाई फ्लाइट अच्छी कनेक्टिविटी है। हाउ टू रीच ऊटी बाई बस। कई स्टेट की रोड और नेशनल हाईवे ऊटी से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन की बसेज और प्राइवेट बसेज ऊटी के लिए अच्छी सर्विस देती है। हाउ टू रीच ऊटी बाई ट्रेन। ऊटी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मेटुपलयम है, जो ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां से बाई कैब या फिर बाई बस आप ऊटी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पहुंचने के बाद ऊटी जाने के लिए टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं। सेंट स्टीफन चर्च। 19वीं सेंचुरी में बना ऊटी का यह खूबसूरत चर्च ऊटी मैसूर रोड पर स्थित है। पॉपुलर होने के साथ यह चर्च भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक गिना जाता है, जहां की वास्तुशिल्प कला देखने लायक है। चर्च के अंदर मौजूद कलात्मक पेंटिंग्स और सुंदर कांच के शीशे से बनी खिड़कियां देखने लायक हैं। आप जब भी ऊटी जाएं तो चर्च को देखना ना भूलें। पैकारा वॉटरफॉल। यह खूबसूरत झरना ऊटी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर पैकारा गांव में स्थित है और इसी के चलते यह पैकारा वॉटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यह पाइन ट्रीज से घिरा हुआ एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। पर्यटक यहां पर बोटिंग की लंबी राइड भी कर सकते हैं। बारिश के टाइम पर यह वॉटरफॉल अपने फुल फ्लो में बहता है, तब यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। यह ऊटी का काफी पॉपुलर टूरिज्म प्लेस है, जो पर्यटकों के लिए मॉर्निंग में 8 बजे से इवनिंग में 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर कई बोट हाउस और रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। अब चलते हैं डोडाबेटा पीक की ओर। डोडाबेटा का अर्थ होता है सबसे बड़ा पहाड़। यह नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। इसी के साथ यह स्थान दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, जो तकरीबन 8600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। डोडाबेटा ऊटी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से खूबसूरत व्यू को देखा जा सकता है। पर्यटकों की सुविधा हेतु यहां पर टेलीस्कोप भी लगाए गए हैं, जिससे पर्यटक अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। यहां से नीलगिरी माउंटेन के लुभावने दृश्यों को भी देखा जा सकता है। बोटनिकल गार्डन। ऊटी का यह बोटनिकल गार्डन पूरे भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले बोटनिकल गार्डन में से एक माना जाता है। तकरीबन 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस बोटनिकल गार्डन में 650 से अधिक किस्मों के पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का पॉपुलर अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का फोसिल का पेड़, जो तकरीबन 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। एवरी ईयर ऊटी में होने वाले समर फेस्टिवल का फ्लावर शो यहाँ पर ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति को देख सकते हैं। इस बोटनिकल गार्डन की देखरेख हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा करी जाती है। गवर्नमेंट रोज गार्डन। यह ऊटी के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के फेमस रोज गार्डन में से एक गिना जाता है, जो ऊटी के विजयनगर क्षेत्र में स्थित है। तकरीबन 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह खूबसूरत गार्डन पहले जयललिता रोज गार्डन के नाम से जाना जाता था। पर्यटक यहां पर 20,000 से भी ज्यादा गुलाब के फूलों को देख सकते हैं। इस रोज गार्डन ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी से साउथ एशिया के गार्डन ऑफ एक्सीलेंस का खिताब भी अपने नाम किया था। ऊटी का यह रोज गार्डन रोजेज की सुंदरता को प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे की। तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा यह एक ऐतिहासिक ट्रेन है, जो कुन्नूर से ऊटी के बीच 46 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में तय करती है।
जो कई ब्रिजों, वादियों और पहाड़ियों से होकर गुजरती है। यह 4 घंटे का सफर यह ट्रेन बड़ी ही आराम से तय करती है। इसकी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए यूनेस्को ने इसे सन 2005 में हेरिटेज साइट में भी शामिल किया। यह ट्रेन नीलगिरी के पहाड़ों और वादियों के बीच में से गुजरते हुए पर्यटकों को न भूलने वाला एक विस्मयकारी अनुभव देती है। आपके लिए इस टॉय ट्रेन की जर्नी निश्चित रूप से एक रोमांचकारी जर्नी होगी। ऊटी लेक। तकरीबन 65 एकड़ के क्षेत्र में फैली यह खूबसूरत झील ऊटी आने वाले पर्यटकों में काफी पॉपुलर है। 1825 में बनी यह मानव निर्मित कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण स्थानीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए करवाया गया था। पर्यटक यहां पर बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। एवरी ईयर मई मंथ में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसी लेक पर बोटिंग रेस का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब बात करते हैं मुरुगन टेम्पल की। यह ऊटी का काफ़ी पवित्र धार्मिक स्थल है, जो एलक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है, जहां पर उनकी 40 फीट ऊंची प्रतिमा को देखा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जहां के पीसफुल एनवायरनमेंट में लोग आध्यात्मिक साधना के लिए आते हैं। यहां पर किया जाने वाला कावड़ी अटम नृत्य यहां का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। थ्रेड गार्डन। ऊटी की यह एक खूबसूरत और देखने लायक जगह है, जो ऊटी आने वाले पर्यटकों में काफ़ी पॉपुलर रहती है। यहाँ पर केवल धागों से बने कृत्रिम फूलों और पेड़ों को देखा जा सकता है। यहाँ पर 150 से भी अधिक कृत्रिम फूलों को देखा जा सकता है, जिनको बनाने में 6 करोड़ मीटर से भी ज़्यादा धागों का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी खूबसूरत कलाकृतियों को बनाने का श्रेय एंटोनी जोसेफ को जाता है। आप जब भी ऊटी की जर्नी के लिए जाएं, तो इस जगह को देखना ना भूलें। अब बात करते हैं कामरा सागर लेक की। कामरा सागर लेक ऊटी शहर के बस स्टॉप से अप्रोक्स 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, जो हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई एक जगह है। इस लेक पर कई मूवीज की शूटिंग भी होती है। यह लेक फिशिंग के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। अब बात करते हैं स्टोन हाउस की। स्टोन हाउस 1822 में जॉन सुलिवन द्वारा बनवाया गया था। प्रेजेंट टाइम में यह जगह एक आर्ट कॉलेज है, जो अपनी वास्तुकला और महान अवशेषों को प्रदर्शित करती है। स्टोन हाउस को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं। अब बात करते हैं फंडिल पैलेस की। 1844 में बना फंडिल पैलेस मैसूर के महाराजा का ग्रीष्मकालीन बंगला हुआ करता था। महल की भव्यता औपनिवेशिक युग की याद दिलाती है, जो अपनी बेजोड़ वास्तुकला और नक्काशी के लिए काफ़ी जाना जाता है। MRC गोल्फ क्लब। यह गोल्फ क्लब 7200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 195 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। गोल्फ के शौकीन लोगों के लिए यह एक मज़ेदार जगह है। गोल्फ कोर्स पाइन और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं ऊटी के मधुमलाई नेशनल पार्क की। यह एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, जो ऊटी से अप्रोक्स 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर वनस्पतियों व लुप्त प्राय वन्य जीवों की प्रजातियाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, चीतल, लेपर्ड आदि आसानी से देखे जा सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय ऑल प्लेसेज ऑफ ऊटी। वी विल सून अपलोड ए न्यू एक्साइटिंग वीडियो अबाउट द अनदर सिटी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।